Hey guys, welcome back to my channel. आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ guys. अगर आप लोग अच्छे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. और guys, आज का जो न्यूज होने वाला है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि iPhone 14 के ऊपर, जैसे कि guys, iPhone 14 आपको क्यों नहीं लेना चाहिए उसके मैं बहुत सारे रीजन में बताऊंगा. अगर आप लोगों में से कोई अगर iPhone 14 परचेस करना चाहते हैं तो मत परचेस कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे रीजन बताऊंगा. iPhone 14 मत परचेस कीजिए. तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं. जैसे कि मैं बता रहा था कि आईफोन 14 आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, पहले तो मैं कुछ रीजन बताऊंगा. तो गाइस, देखा जाए तो आईफोन 13 में जो हमें A15 बाहरी चिप देखने को मिलता है, वही हमें आईफोन 14 में भी देखने को मिल रहा है. तो अगर आप लोग सोच रहे कि आईफोन 13 लिया है तो कोई बात नहीं, आईफोन 14 ले लेते हैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देके, मत ऐसा मत कीजिए. क्योंकि देखा जाए तो गाइस, 10,000 रुपए भी बहुत महंगे होता है. क्योंकि अगर आप iPhone 13 के अगर आप प्राइस देखेंगे तो वो है कुछ 70,000 के करीब, और iPhone जो 14 का जो प्राइस वेरिएंट है वो है 80,000 के करीब. तो 10,000 का डिफरेंस है, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम सब कुछ है, पर बट 10,000 के करीब. तो क्योंकि iPhone 13 में जो भी सेम जो फीचर्स है वही आपको iPhone 14 में भी देखने को मिल रहा है. तो क्यों 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देके आप परचेस करेंगे, ऐसा आप मत करिए. और गाइस, iPhone 14 में जो iPhone 14 iPhone 14 Plus, जो iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max, जो Pro और Pro Max ये दो वेरिएंट हमें मालूम है कि iPhone का जो लेटेस्ट जो तगड़ा प्रोसेसर है वो है A16 बायोनिक चिप, वो हमें देखने को मिल रहा है. पर फिर भी गाइस, हमें लगता है कि एक साल हो चुका है iPhone 13 को रिप्लेस करके हम iPhone 14 लेंगे. क्योंकि देखा जाए तो एक साल में गाइस कोई भी फोन पुराना नहीं होता, कोई भी फोन एक साल में पुराना नहीं होता है. तो बेसिकली देखा जाए तो iPhone 13 है, पर फिर भी आप iPhone 14 को ही परचेस करना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिए मेरे हिसाब से. तो गाइस, तो न्यूज को हम शुरू करते हैं. तो पहली बात, ब्राजील में iPhone बैंड हो चुका है. तो ब्राजील में iPhone बैंड हो चुका है, क्योंकि ऐसा क्यों है देखा जाए तो गाइस, iPhone के जितने भी जो हाई क्वालिटी के जितने भी फोन उन्होंने लॉन्च किया है उन सभी में हमें कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है. यानी कि सिर्फ एप्पल नहीं गाइस, सैमसंग के भी जितने भी हाई क्वालिटी के जितने भी रेंज का जो फोन उन्होंने लॉन्च किया है उन सभी में भी हमें चार्जर देखने को नहीं मिलता है. नथिंग फोन में भी हमें चार्जर नहीं देखने को मिलता है. तो ब्राजील के जो गवर्नमेंट है और वहां के जो लोग है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इन सभी फोनों को नहीं चाहिए हमारे कंट्री में. क्योंकि देखा जाए तो इतने बजट में मैं एक फोन परचेस कर रहा हूं और अगर उसके अंदर हमें चार्जर नहीं देखने को मिल जाए तो क्या है भाई, हम क्यों परचेस करेंगे उस फोन को. सिर्फ ब्राजील में भी नहीं गाइस, यूरोपियंस ने भी कहा है कि हमें आईफोन और जितने भी फोन है जो हमारे कंट्री में लॉन्च हो रहा है और उसके साथ चार्जर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, उन सभी फोनों को भी बैन कर दीजिए हमारे कंट्री से. क्योंकि जिस फोन में चार्जर नहीं है, हम 1,00,000 का एक फोन परचेस कर रहे हैं, 80,000 का, 90,000 का, 2,00,000 का एक फोन परचेस कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमें चार्जर नहीं देखने को मिल रहा है तो क्या करें भाई. 2,00,000 का फोन है, चार्जर नहीं. तो चार्जर खरीदने से अगर उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें है भाई, तो वो 2,00,000 का फोन और चार्जर भी नहीं है, चार्जर अलग से परचेस करना पड़ेगा, वो भी 5,000, 3,000, 2,000 रुपए देके. क्यों, ऐसा क्यों भाई. अगर मार्केटिंग करना है तो कोई दूसरी तरीके से भी तो मार्केटिंग कर सकते हैं. तो इसका मतलब तो ये नहीं भाई, आप चार्जर को निकाल दे, पहले हेडफोन निकाल दिया, आप चार्जर निकाल दिया, उसके बाद केबल भी निकाल देगा, अब जो फोन आएगा फोन नहीं होगा, सिर्फ खाली डब्बा होगा. और फोन कहाँ होगा, फोन भी हमें अलग से परचेस करना होगा. डब्बे के लिए 2,00,000, फोन के लिए भी 2,00,000, चार्जर के लिए 5,000, और जो टाइप सी और जो टाइप ए का जो केबल है उसके लिए 1,000. भाई ये क्या है भाई, ये कोई मार्केटिंग है. और सिर्फ ऐसा नहीं गाइस, हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए. सिर्फ फोन लॉन्च कर रहे हैं और उसके साथ कोई चार्जर नहीं भाई, ऐसा फोन नहीं चाहिए. जितने बढ़िया फोन हो उससे में मतलब नहीं भाई, चार्जर तो होना चाहिए. चार्जर नहीं होगा तो क्या है भाई, क्यों आप फोन को ऐसे परचेस कर रहे थे उसका नाम देख के, क्योंकि एप्पल का लोगो लगा हुआ है, एप्पल है भाई, एप्पल है, एप्पल से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो, एप्पल से कुछ नहीं होता. जो एप्पल के नाम पे जो 80,000, 90,000, जो 1,00,000 का जो वो पैसे आपसे वो लूट रहा है, जो कंपनी, समझ रहे हो भाई, जो 1,00,000 रुपए आपसे वो ले रहा है, क्या वो सही है. अगर आप देखा जाए तो 30,000, 20,000, 40,000 रुपए में जितने भी फोन है एंड्रॉयड का
उनमें भी बहुत सारे फीचर्स है, उनमें कैमरा बहुत बढ़िया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत बढ़िया कर सकते, सब कुछ आप बढ़िया तरीके से कर सकते, पर एप्पल आपको क्यों लेना है भाई 1 लाख रुपए से? 2 लाख, 1 लाख, 20,000, 80,000, 50,000, भाई क्यों आप क्यों ले रहे हैं आईफोन? पहले आप जान लीजिए कि फालतू के पैसे वेस्ट करने से फुर्सत ही कहाँ पे है आपको। अगर क्या आपको जरूरत है उस फोन का, अगर जरूरत नहीं तो मत परचेस कीजिए, क्यों आप वो खरीद रहे हैं फोन? गाइस थोड़ा सा संभाल के चीजों का परचेस कीजिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे फोन ले चुके हैं और उसके साथ आईफोन 1 लाख 20 हज़ार, 1 लाख 30 हज़ार, 1 लाख 40 हज़ार, 90,000, 80,000 का फोन आप लेंगे, ऐसा मत कीजिए गाइस। अब जान लीजिए कि आपको वो फोन क्या जरूरत है, कि अहमियत रखता है वो फोन आपको, यानी गाइस स्वैप के लिए आपने फोन को परचेस कर लिया। देखा है तो फोन आपको किसी के काम भी नहीं, सिर्फ कॉल करने के लिए वो फोन। भाई उसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, देखा जाए तो वो प्रोसेसर से आप बहुत बढ़िया मल्टीटास्किंग या वीडियो रेंडरिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, पर आपको उन सभी तो कोई मतलब ही नहीं भाई, आप उस काम के लिए फोन को मत ही परचेस कर रहे हैं। तो गाइस तो देखा जाए ऐसा मत कीजिए।